दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी वोटर आईडी को वेरीफाई कर सकते हो, वो भी बिना पीसी या लैपटॉप के। आप अपने मोबाइल में कैसे कर सकते हो, तो ये जानने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और साथ में जो बेल का आइकन है उससे भी बजा दो। तो आपको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के जो क्रोम ब्राउज़र है इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यह आपको सर्च करना है nbsp.in। इसको सर्च करने के बाद आपका सामने स्लो है, सामने एक ऐसा स्क्रीन आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको यह दिखाई दे रहा है डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र, इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ आपका जो नंबर है यह सेंड कर देना है, और यहाँ पर अपनी जो कोड है इसे यहाँ लिख देना है, और इसके बाद यहाँ आपका वोटर आई डी कार्ड के जो पिक नंबर है इसे यहाँ लिख देना है, यहाँ ईमेल लिख देना है, और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना देना है। बना देने के बाद यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। भैया क्या कर देना है, आपको जो नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और यह पासवर्ड भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यह जो कोड दिखाई दे रहा है इसको एंटर कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक कर देने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल वेरीफाई के प्रोग्राम पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आप जो इपिक नंबर दिया था ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया है। आने के बाद आपको आप अपना फैमिली की जो जैसे कि भाई बाबा जिन जिनकी वोटर आई डी है उन लोग की करना है, तो आपको यह फैमिली लिस्टिंग पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप अपनी फैमिली लिस्टिंग की जो फैमिली है सबको ऐड कर देना है। या आपका इपिक नंबर घर का जो इपिक नंबर है या क्लिक करके एड फैमिली को क्लिक करने के बाद या चेंज करके आप अपनी मेंबर को ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ मेरा जो नाम है इसे ही मैं कर लेता हूँ। तो यह आप अपना फैमिली की भी या इपिक नंबर मार मार के ऐड कर लेना है। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, आपके मोबाइल जो है ये इंटरनेट पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है। करने के बाद आपको फिर से इलेक्ट्रिकल वेरीफिकेशन में जाना है और या वेरीफाई सेल्फ डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप दिखाई दे रहा है वेरीफाई माई डिटेल्स, यहाँ पर क्लिक कर देना है। या क्लिक करने के बाद अगर आपका जो नाम है जो रिलेटेड मतलब वोटर आई डी की जो चीज़ें है ये अगर सर्च है तो आपको इन्फॉर्मेशन प्लीज अबव इस पर क्लिक कर देना है। अगर ये गलत है जैसा कि देखिए आपका नाम गलत है या एज गलत है कुछ भी गलत है तो आपको नीचे दिएगा ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। अगर आपका नाम गलत है या कुछ गलत है तो आपको यह इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नीड्स करेक्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो गलत है जैसे कि मैं एक देख रहा हूँ जैसे कि नाम गलत है तो नाम पर क्लिक करके यह आपका जो टिक नाम है या लिख देना है, या आपका जो बंगाली में लिख देना है या तो आप हिंदी में लिख देना है, आपका जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसे लिख देना है। इसके बाद यह एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद यह आपको प्लेस लिख देना है, या डेट तो दिया हुआ है आपको व्यू एप्लीकेशन प्रीमियम में सबमिट कर देना है। मैं इसको करना चाहता हूँ वेरीफाई, तो यहाँ मैं वेरीफाई माई डिटेल्स पर क्लिक करूँगा, और यह सब मेरा ठीक है मैं पहला वाला पर क्लिक करूँगा, और यह मैं एक फाइल चेंज कर लूँगा जो कि मेरे पैन कार्ड है। पैन कार्ड में चेंज तो यहाँ से एक फाइल चेंज कर लेना है जो कि पैन कार्ड की है, तो टी शर्ट पर मैं क्लिक करके रखा था तो इसको मैं चेंज कर दूँगा, और इसका जो नंबर है यहाँ पर डाल लेना है। और यह अब क्या सेंड किया है ये यहाँ पर चेंज कर लेना है। तो मैंने
पैन कार्ड किया तो पैन कार्ड को चेंज करके सबमिट क्लिक कर देना है सबमिट बटन पे, और आपको दिखाई देगा कि यहाँ लिखा है कि मेरा ये हो गया। तो आपको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपना बीएलओ को ये सबमिट कर दें। तो ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ ऐसे और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस थैंक यू फॉर द वॉचिंग।